हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई मार्केटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रमोट बायोफिट क्लिकबैंक प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि बायोफिट एक प्रोडक्ट है क्लिकबैंक पर, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है। तो कैसे आप उसे प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग फ्री ट्रैफिक्स, और आप मल्टीपल सेल्स वहां से ले सकते हैं। लेकिन वेट, इज दिस इजी? एब्सोल्युटली नॉट। Absolutely not easy to get sales with free traffic source. But this is true that you can get sales by using free traffic sources. इतना आसान तो नहीं है कि हम free traffic source का use करते हुए बहुत सारी sales निकाल लें, पर लेकिन ये भी सच है कि आप free traffic source का use करते हुए भी earning कर सकते हैं affiliate marketing से। तो इस video को पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ दो traffic source share करने वाला हूँ, जहाँ पर हम अपने इस product को promote कैसे कर सकते हैं ये जानने वाले हैं, वो भी इसी के resources का इस्तेमाल करते हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल की किसी वीडियो को देख रहे हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स हर रोज फ्री में मिलते रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, अगर आप हम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने बायोफिट प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं क्लिकबैंक के मार्केट प्लेस पर आ चुका हूं। लेकिन हाँ, अगर आप इसके सिमिलर कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को, इस ट्रैफिक सोर्स को यूज कर सकते हैं सेम तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम जानने वाले बायोफिट के बारे में, और अभी हम हेल्थ एंड फिटनेस में हैं, और अकॉर्डिंग टू रैंक हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर ये नंबर दो पे बना हुआ है। ओके, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यू नो लाइक EPC क्या होता है, या फिर इसकी ग्रेविटी का सही मतलब क्या है, या फिर रैंक का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को आप समझना चाहते हैं क्लिकबैंक के अंदर, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप करिएगा, फिर अपने डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना देंगे, जिसके अंदर मैं सारी इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा कि इन सब का क्या मतलब होता है। ओके, अभी के लिए ये है बायोफिट प्रोडक्ट। अगर बात की जाए इसके कुछ बेसिक्स की, तो यहाँ पर हम लगभग $182 की यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं एक सेल से ऑन एन एवरेज। ओके, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी अर्निंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है एक सेल से, और कम भी हो सकती है। तो ये अर्निंग के मामले में तो ठीक है, मतलब एक ही सेल से अगर आपके पास इतना बढ़िया चांस है अर्न करने का, अगर आप मल्टीपल सेल्स यहाँ से निकाल लेते हो तो आप बढ़िया यहाँ से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिकरिंग भी है, तो ये सबसे बेस्ट है कि रिकरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ भी एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपके साथ बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका सेल्स पेज देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसका सेल्स पेज कन्वर्टिंग ही होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी कन्वर्टिंग है, काफ़ी समय से भी चल रहा है, और अभी जो क्लिकबैंक ने लिस्ट जारी की थी टॉप 10 प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर ये नंबर 10 पे था शायद, हाँ नंबर 10 पे था ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक VSL पेज है, अच्छा कन्वर्टिंग पेज है। ओके, आप इसकी वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छी वीडियो है। उसके बाद वापस चलते हैं अपने मार्केट प्लेस पर, और इसका जो एफिलिएट रिसोर्स पेज है वो बहुत ही फुलफिल है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करिए जिसके अंदर बहुत सारे आपको एफिलिएट रिसोर्सेज मिलते हों, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसका एफिलिएट लिंक दिया गया है, यहाँ पर एफिलिएट पेज का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हम इनके एफिलिएट रिसोर्स पेज पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आके आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे आपको इसके अंदर रिसोर्सेज मिलेंगे। कैंपेन अगर आप रन करना चाहते हो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर है, पिक्सल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ईमेल स्वाइप्स हैं, बैनर्स भी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया बैनर्स दिए गए हैं, वीडियोस भी हैं इसके अंदर, लैंडर्स, प्रोडक्ट की इमेजेस आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पर देखा जाए तो फ्री ईबुक भी मिलती है और आर्टिकल्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर। ओके, तो लेट्स गो विद फ्री ईबुक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इनकी जो फ्री ईबुक्स हैं वहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको 4 ईबुक्स मिलती हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इनके फ्री ईबुक्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये मुझे PDF अच्छा लगा, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये PDF जो है वो ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी आपके सामने है, और अच्छा PDF है, और कहीं ना कहीं ये जो PDF है ना, ऐसा देख के ये नहीं लगता कि ये वेट लॉस से संबंधित है। यहाँ पे आप देखो इसकी जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू वियर टू लुक योर बेस्ट। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक टिप भी है, और फैशन से रिलेटेड भी लग रहा है कुछ, ऐसा डायरेक्टली वेट लॉस से संबंधित नहीं लग रहा है। तो इस ईबुक को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको वापस आना अपने एफिलिएट पेज पर, अपने मार्केट प्लेस पर, और यहाँ पर हमें अपना एफिलिएट लिंक लेना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रमोट बटन पर क्लिक करेंगे, और गाइस जैसे आप प्रमोट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट निकनेम डालना है, यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी आप कोई भी डाल सकते हो, जहाँ पर आप प्रमोट कर रहे हो उस ट्रैफिक सोर्स का नाम भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको जनरेट होप लिंक पर क्लिक करना है, और आप सब जानते हैं यहाँ पर क्लिकबैंक का, क्लिकबैंक के अंदर एफिलिएट लिंक प्राप्त करना बहुत ईजी है,
और इस प्रकार से आपको अपना एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो उसके लिए अलग से लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, लीड कलेक्ट करना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज हम एक लैंडिंग पेज के रूप में ही काम करने वाले हैं तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे लैंडिंग पेज। ओके, तो चलिए हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं। यह हमारा एफिलिएट लिंक है, जितनी बार भी लोग इस पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे हम उतना ही अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको जाना है गूगल में, और गूगल में आपको टाइप करना है सेजदा। जैसे आप सेजदा टाइप करोगे तो ये नंबर वन पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ये ऑनलाइन पीडीएफ एडिटिंग वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक करना है और इसके होम पेज पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको एक अपलोड करने का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप वो वाली पीडीएफ या ई बुक अपलोड कर लीजिए जो अभी हमने डाउनलोड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वो ई बुक यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको जाना है बॉटम में। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ ऑल द वे। ओके, दिस इज द लास्ट पेज, 11th पेज इज लास्ट पेज। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक और खाली पेज आपको मिल जाएगा। अभी इस ई बुक के अंदर 12 पेज हो चुके हैं, 12 पेज। लेकिन अभी हमें क्या करना है, आपको जाना है वापस इसके एफिलिएट सोर्स पेज पर। ओके, जैसे आप वापस इसके एफिलिएट सोर्स पेज पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस का भी आप देख सकते हो, अदरवाइज बैनर्स के अंदर भी जा सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ बैनर्स पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही आप बैनर्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग साइजेस में आप इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वन क्लिक में सभी को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बटन रहता है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार के भी आपको बैनर्स मिलेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये भी बहुत ही कन्वर्टिंग है, और कुछ इस प्रकार के बैनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कुछ हेडिंग भी दी गई हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इनको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस जाइए अपने पीडीएफ एडिटर में, और जो हमने 12th पेज यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 12th पेज है। यहाँ पर मैं अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर से आपको कमांड्स दिख रही हैं, यहाँ पर इमेज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके जो इमेज या बैनर आपने अभी डाउनलोड किया उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकते हो। ओके, दिस इज गुड, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस जाइए अपने एफिलिएट रिसोर्स पेज में, क्योंकि हम इनके एफिलिएट रिसोर्स पेज का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल स्वाइप्स का, इस पर आपने क्लिक करना है तो आप इनके ईमेल स्वाइप्स में पहुंच जाओगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बहुत सारे लिखे लिखाए ईमेल्स मिलने वाले हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली मैं जो इमेज जो मैंने वहाँ पर ऐड की है उसी के सिमिलर यहाँ पर जो एक ईमेल स्वाइप है उसी का यूज करने वाला हूँ, तो वो मैं फाइंड कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ से। ओके, एज यू कैन सी स्टप योर फेस एंड लूज वेट, यही हमारी इमेज है, इमेज की हेडिंग है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से इसका जो पूरा ईमेल स्वाइप है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ तक लिंक तक कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे अपने एडिटर में। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कुछ लिखने के लिए क्योंकि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है पहले। ओके, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ से आप लिखना शुरू करना चाहते हो वहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, एज यू कैन सी ये अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना लिंक लगाना है। ओके, और तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल कॉल टू एक्शन बटन मैंने यहाँ पे लगाया है, क्लिक हेयर टू लर्न मोर। ओके, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो अच्छे से यहाँ पर आ चुके हैं, और नीचे हमने कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, क्लिक हेयर टू लर्न मोर। अभी हमें क्या करना है कि अपना एफिलिएट लिंक जो है वो इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक का एक बटन दिया गया है, एज यू कैन सी लिंक का, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक लगाना चाहता हूँ, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। तो मैं दोबारा से यहाँ से अपना एफिलिएट लिंक ले लेता हूँ। एफिलिएट लिंक लेने के बाद वापस अपने एडिटर में आपको जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिंक के सेक्शन में अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको, उसके बाद खाली जगह पर आप कहीं क्लिक कर दीजिएगा, इसमें लिंक लग चुका है। ओके, यहाँ पर लिंक लग चुका है। उसके बाद मैं इस इमेज में लिंक लगाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पूरी इमेज को। ओके, यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो। यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करके इसको क्लोज कर दीजिए। इसमें भी लिंक लग चुका है और यहाँ पर भी लिंक लग चुका है। इसको हाईलाइट वगैरह करना है तो और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, एनोटेट वगैरह में जाकर के आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे आप उनको बोल्ड वगैरह कर सकते हो, तो इसको अच्छे तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये 12th जो पेज हमने यहाँ पर ऐड किया है वो पूरी तरह आपके लिए है, और इसके अंदर जो लिंक वगैरह लगे हैं वो आपके एफिलिएट लिंक है, और इस इमेज में भी हमने अपना एफिलिएट लिंक एम्बेड कर दिया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको अप्लाई चेंजेस, इस पर आपने क्लिक करना है।
ओके गाइज, तो अभी तक हमने क्या किया है कि एक पीडीएफ थी जो उसको डाउनलोड किया हमने फ्री ईबुक को, और इसके अंदर 11 पेजेस थे, लेकिन हमने एक 12वां पेज इसके अंदर ऐड करके उसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स जो है वो अच्छे तरीके से इनबेड कर दिए हैं। अभी हमें इस ईबुक को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है वापस। सो गाइज, ये बहुत ही सिंपल, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और अभी हमने पीडीएफ तो जनरेट कर लिया, लेकिन अभी हमें इसको प्रमोट करना होगा, इस पर ट्रैफिक भेजना होगा, यानी कि ऑडियंस के सामने इस पीडीएफ को शेयर करना होगा। तो मैं आपको दो ट्रैफिक सोर्स बता देता हूँ, आप वहाँ पर इन पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, और आप मल्टीपल पीडीएफ को शेयर करिए इस प्रकार की। वहाँ पर 4 पीडीएफ हैं, तो आप उन चारों को इनबेड करके भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा PLR ईबुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोडक्ट को इजीली प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ। सो गाइस, जो पहला ट्रैफिक सोर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको दो ट्रैफिक सोर्स बताने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन आपको ट्रैफिक सोर्स मिल जाएगा इन ट्रैफिक सोर्सेज से। और ऐसा नहीं है कि सारा ट्रैफिक हमारे लिए ही, कि यहाँ पर आप शेयर करोगे तो आपको 100 मिलियन ट्रैफिक सोर्स आप ही के ईबुक पे मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर अगर अपना कोई कंटेंट पब्लिश करोगे तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक तो मिलता ही है। यहाँ पर idoc.pub एक ये साइट आप देख सकते हैं, idoc.pub, इसका ट्रैफिक कुछ कम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मिलियंस में है भाई, कम नहीं है। ओके, यहाँ पे इसका जो ट्रैफिक है वो 1.2 मिलियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.22 मिलियन ट्रैफिक। ओके, एज यू कैन सी, और कहाँ कहाँ से ट्रैफिक है, किस प्रकार से ट्रैफिक है, और यहाँ पे आप देख के चौंक जाएंगे कि इसका 84% ट्रैफिक सर्च से है। ओके, समझ रहे हो, यानी कि आप अगर ऐसा ट्रैफिक सोर्स यूज करते हो जहाँ पर सर्च से ट्रैफिक आता है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है। तो इसका ऑलमोस्ट 85% ट्रैफिक जो है वो सर्च से है। तो पहला तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिया था, अगर आपने वो देखा तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इजीली अपने ईबुक को यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप व्यूज की पोटेंशियल देख सकते हो, 6 मिलियन व्यूज है यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पर आपको व्यूज, यहाँ पर हर एक मिनट यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जस्ट नाउ, 1 मिनट एगो, तो आप यहाँ पर अपनी पीडीएफ को इजीली यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा ट्रैफिक सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस ट्रैफिक सोर्स है, इसका नाम है slideshare.net। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रैफिक है वो बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 92 मिलियन प्लस ट्रैफिक है, 92 मिलियन एक मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर, और कई बार ये ट्रैफिक 100 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ट्रैफिक 84% से भी ज़्यादा का ट्रैफिक जो है वो सर्च से है। तो ये एक ऐसे, मतलब ट्रैफिक सोर्स और भी बहुत हैं पीडीएफ अपलोड करने के, बहुत सारे हैं जहाँ पर अपने फ्री में ईबुक को पब्लिश कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन ये दो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इन दोनों का ही जो सर्च से ट्रैफिक आता है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ईबुक को पब्लिश करोगे, अच्छे कीवर्ड्स का, अच्छे टैग्स का, अच्छे टाइटल्स का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी ईबुक जो है वो सर्च इंजन में भी अपीयर होगी, और वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। ओके, तो अब इनका यूज कैसे करना है आप सभी जानते ही हैं, slideshare.net, यहाँ पे आप देख सकते हैं slideshare.net, दोनों वेबसाइट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर slideshare की बात की जाए तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको अपलोड का बटन दिखेगा यहाँ पे इस प्रकार से, इस पर आपने क्लिक करना है, और जो ईबुक अभी हमने कस्टमाइज की थी जिसके अंदर हमारे एम्बेडेड एफिलिएट लिंक्स हैं, उसको आपने यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो जैसे आप अपनी ईबुक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद सिंपली आप कोई अच्छा सा टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। मेक श्योर अगर टाइटल आपका अच्छा होगा तो आपको वहाँ पर ज़्यादा इसका फायदा भी मिलेगा। ओके, तो इसके लिए आप ईमेल स्वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी पीडीएफ का ही यहाँ पर टाइटल दे दिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ईमेल स्वाइप्स का यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए वापस जाएंगे, और यहाँ पर आप चाहो तो इसी ईबुक का भी कुछ डेटा यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से इसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मत लगाइए, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे सकते हो, अदरवाइज आपके पीडीएफ में लिंक है। उसके बाद आपको कैटेगरी का यहाँ पे चुनाव करना है, एंड मेक श्योर इसको पब्लिक रखें आप। ओके, उसके बाद आप रिलेवेंट टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं, देन यहाँ पर आपको एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इजीली अपने ईबुक को आप पब्लिश कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कुछ कैप्चा के बारे में कहा जाए तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करें और वेरीफाई करें। ओके, जैसे आप इस सबको कंप्लीट करोगे आपके सामने ये बटन आ जाएगा पब्लिश का, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपकी ईबुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 100 मिलियन मंथली ट्रैफिक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। और एक दो पीडीएफ अपलोड करने से कुछ नहीं होता, मेक श्योर आप और भी यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड करोगे, यहाँ पर ईबुक्स को अपलोड करोगे, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ओके, तो ये कंप्लीट ईबुक है जो हमने यहाँ पर अपलोड की थी, एज यू कैन सी। और बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके हुए देखते हैं अपना जो लिंक्स हमने लगाए थे वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। ओके, एज यू कैन सी, और कोई पर्सन यहाँ पर भी क्लिक कर सकता है। अभी ये लिंक क्लिकेबल है, इसको देखो यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस का बटन आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम इन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और यहाँ पर हमने लिंक लगाए थे यहाँ पर भी क्लिकेबल रहेंगे, ये ऐड है इसको रिमूव करते हैं यहाँ से,
यहाँ पे देखो ये भी क्लिकेबल है, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर हमने लिंक लगाया था तो ये क्लिकेबल है। ओके, मेक श्योर आप इसको हाईलाइट कर दें या बोल्ड कर दें जिससे कि पता चले लोगों को कि यहाँ पर लिंक है। ओके, तो इस प्रकार से आप इन दोनों ट्रैफिक सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजी है यूज करना इनको, और अपने लिए एक फ्री अर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग इसको पूरा नहीं देखते हैं वीडियो को, और वही लोग बाद में नीचे उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे हुआ था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली और इजी वे में आपके साथ ये शेयर किया है कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग फ्री ट्रैफिक सोर्स। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे मेक मनी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।